गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये वाले फेस में हूँ बिकॉज आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन आप सबके साथ। तो ये है मेरा बेयर फेस बिकॉज मैं अभी ही उठी हूँ एंड मैं अपना स्किन केयर करने ही वाली थी तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना लूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा लॉन्ग स्किन केयर है तो ये मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये मैं सिर्फ वीक में एक या दो बार ही करती हूँ तो उतना ही काफ़ी रहता है एंड कुछ एक स्टेप्स है जो मैं रोज करती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्किन केयर को स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी मैंने अपने लिप्स पे भी कुछ अप्लाई नहीं किया है, ये भी बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैप्ड हो गए। तो सबसे पहले उठते ही मैं क्या करती हूँ अपने फेस को जो है वॉश कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये रूप मंत्रा का मिक्स फ्रूट फेस वॉश। मुझे रूप मंत्रा के फेस वॉशेस इतने ज़्यादा पसंद है, मैंने रूप मंत्रा का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इन फेस वॉशेस पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी बिकॉज मैंने इसके सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं। करंटली मैं मिक्स फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, लेमन वाला भी मेरा बहुत फेवरेट है, एलोवेरा है, कुकुम्बर है, मुझे सब बहुत पसंद है। तो लाइक बहुत महीनों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो अगर इसकी थोड़ी तारीफ हो गई हो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंड इसकी स्मेल, ओ माई गॉड इट्स ब्यूटिफुल। तो मैं थोड़ा सी क्वांटिटी ले लेती हूँ जो मेरे फेस एंड मेरे नेक के लिए यू नो यूज़फुल हो एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है ताकि मैं अच्छे से अप्लाई कर सकूँ। मैं इसे एक से दो मिनट अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ एंड इसके बाद जो है मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। तो आप इंस्टेंटली देख सकते हो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है ये फेस वॉश की वजह से एंड ये बिल्कुल भी आपके स्किन को जो है ड्राई आउट नहीं करता है क्योंकि बहुत सारे फेस वॉशेज है जो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं एंड ये बिल्कुल ड्राई नहीं करता है। तो विंटर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन हो। मेरी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन चल रही है अभी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टिल मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो है मैं अपने फेस को स्क्रब कर लूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एसपी का स्क्रब। आई डोंट नो ये कहाँ मिलता है, ये लोकल मार्केट में मिलता है एंड मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन वगैरह कहाँ मिलता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरे लास्ट स्किन केयर वीडियोस में भी देखा होगा आई लव दिस स्क्रब तो मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके फेस को जो है बहुत मॉइस्चराइज भी करता है। तो मैं यही थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी अपने नेक पे भी एंड मैं अगेन थोड़ा सा वाटर ले लूँगी। मैं इसे अपने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लूँगी एंड इसके ग्रैन्यूल्स जो है बहुत ही छोटे इसलिए कैमरा में तो ये इतने विजिबल भी नहीं है एंड आफ्टर 3 मिनट्स मैं इसको वॉश कर लूँगी। मैंने स्क्रब कर लिया एंड मेरे जो बाल है वो भी थोड़े से गीले हो गए बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली वॉशिंग माई फेस। तो उसके बाद हम फेस पैक अप्लाई करेंगे। तो फेस मास्क के लिए मैं यूज़ करूँगी ये गुड वाइब्स का फेस मास्क। तो ये है लाइलैक एनर्जेटिंग फेस मास्क, नो पैराबेंस, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री। तो इसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया एंड आज मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। बट एक ही बार जो मैंने इसे यूज़ किया है मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसे और टाइम यूज़ करूँगी एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट अ रिव्यू बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशनली आई लव दिस फेस पैक एंड इसकी स्मेल भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड लुक एट द कलर लाइक पिंक, आई लव पिंक। तो इसे मैं जो है अपने फिंगर्स के साथ ही अप्लाई करूँगी क्योंकि बहुत जनों के पास ब्रश नहीं होते, यूजुअली मैं ब्रश के साथ ही अप्लाई करती हूँ एंड इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत अच्छी है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा वाटर या फिर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम थोड़े से लिप्स पे मूव ऑन करते हैं। तो लिप्स के लिए है मेरे पास अगेन ये गुड वाइब्स का कोकोनट लिप स्क्रब, ये भी काफ़ी अच्छा है लाइक इसे भी मैंने रिसेंटली परचेस किया है, एक दो बार ही यूज़ किया है मैंने लेकिन ये काफ़ी ड्राई ड्राई लगता है मुझे, आई डोंट नो। तो इसे भी मैं 2 से 3 मिनट अपने लिप्स पर अच्छे से मसाज कर देती हूँ एंड ये ड्राई भी नहीं करता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है। इसके बाद मैं पानी की हेल्प से ये स्क्रब को जो है लिप से रिमूव कर दूंगी एंड एक टॉवल की हेल्प से पोंछ लूंगी।
तो अब 10 मिनट हो गए हैं ये फेस पैक को, एंड मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, उसकी हेल्प से मैं मसाज करते हुए ये फेस पैक को रिमूव करूँगी। मैं थोड़ा और पानी ले रही हूँ, तो मसाज करने से ये आपके फेस पे और अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अभी अगेन मैंने अपने फेस को जो है वॉश कर लिया, एंड मैं स्लाइटली इसे टैप कर लूँगी। अब हमारा फेस पैक भी हो चुका है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टोनर, एंड उसके लिए मैं ये बायोटिक का टोनर यूज़ करूँगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट इसकी जो स्मेल है इट इज़ वर्स्ट, लाइक वर्स्ट, रियली वर्स्ट। एंड ये है बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। ऐसे मुझे पोर इश्यूज नहीं है, बट आई थॉट कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, एंड मैं टोनर ये स्टेप्स के बाद यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे टोनर अपने स्किन में जो है पैट करना अच्छा लगता है। तो अभी मैं इतने बार, क्योंकि अपने फेस को पानी से वॉश कर रही थी, अगर मैं उसके पहले टोनर लगाती तो टोनर अल्टीमेटली वॉश हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला स्टेप जो है इन स्टेप्स के बाद में करती हूँ। आई होप आई मेक एनी सेंस। तो मैं थोड़ा सा इसे अपने हैंड में ले लूँगी, एंड मैं इसे मसाज करती हूँ, एंड देन स्लाइटली अपने फेस पे जो है मैं इसे टैप कर लेती हूँ। ऑनेस्टली आई एम अ गर्ल जिसे स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसकी जो स्मेल है इट्स रियली लाइक वर्स्ट स्मेल। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट हेट द स्मेल। एंड मुझे टोनर लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक लेयर को जस्ट 5-10 सेकेंड के लिए वेट करती हूँ, उसके बाद सेकेंड लेयर लगाती हूँ, एंड उसके बाद थर्ड लेयर लगाती हूँ टोनर की। इट्स नॉट कंपलसरी, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे यूज़ कर सकते हो, बट आई लाइक माई टोनर टू अप्लाई 3 times, नॉट ऑन एवरी डे बेसिस, बट एटलीस्ट फॉर लाइक वीकली आई लाइक टू डू दिस। एंड मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर देती हूँ, बिकॉज मेरे नेक की एंड फेस की स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज मुझे नेक पे जो है ये टैनिंग हो गई है, आई डोंट नो कब ये जाएगी। मैंने 3 layers अप्लाई कर ली है टोनर की, एंड जब टोनर अच्छे से मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद मैं ये क्रीम अप्लाई करती हूँ। ये है रूपमंत्रा की क्रीम, एंड ये बहुत अच्छी गाइज, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, बिकॉज आई लव दिस क्रीम। मैंने अपने लास्ट स्किन केयर वीडियोज़ में भी शेयर किया था, बाय द वे जितने भी बाकी सारे स्किन केयर वीडियोज़ थे वो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, सो यू कैन चेक, बिकॉज आई लव दिस एंड मैं बहुत इसे यूज़ करती हूँ। आई हाईली रिकमेंड यू। तो अभी मैंने इस क्रीम अप्लाई कर दिया, जब तक हमारी क्रीम जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइक हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं, तब तक मैं लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ। तो लिप बाम या तो मैं ये नीविया का अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, या तो फिर मैं बायोटिक का अप्लाई करती हूँ। और नीविया का मैं यूजुअली यू नो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए रखती हूँ, या फिर जब मैं हरी में होती हूँ, एंड जब मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं बायोटिक का यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज इसका जो है ये टब टाइप में है, तो इतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, एंड इतना कन्वीनियंट भी नहीं है यूज़ करने के लिए। हाँ, अब तक मेरे जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे, एंड लेकिन हमने लिप स्क्रब कर दिया था, इसलिए वो फ्लेकी नहीं थे मेरे लिप्स, बट ड्राई तो डेफिनेटली फील हो रहे थे। नाउ आई एम लाइक गॉट वाटर, मतलब मेरे जो लिप्स है वो ऐसे फील होते हैं कि बहुत लाइक डेजर्टली ड्राई है, एंड वहाँ पे बारिश आ गई जब मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ। If again it makes any sense. So yeah, अब मेरे जो ये क्रीम है ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, एंड बिकॉज ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है, ये कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करती है, लाइक फेयरनेस क्रीम भी मैं बोल सकती हूँ, इट्स रियली नाइस। एनी वेज, तो मॉइस्चराइज नहीं करती, इसलिए मुझे अलग से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है, एंड ये है मेरा वादी हर्बल्स का मॉइस्चराइजर, आई लव दिस। सो ओके, आई विल टेल यू, अगर आपकी बहुत एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो शायद ये आपके ऊपर इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लाइक डेफिनेटली मॉइस्चराइज करेगा, बट आपको 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना पड़ता है। बट बिकॉज मेरी अभी कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्किन है, इतनी ड्राई नहीं होती, स्टिल ड्राई है, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। तो अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो, आई लव दिस। मैं सारी चीज़ों को बोल रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली इसलिए मैं अपने आप पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसका एक पम्प जो है ले लेती हूँ, इतना अमाउंट सफिशियंट होता है, एंड अपने फेस पे जो है अप्लाई कर देती हूँ। डेफिनेटली ये मैं जो है अपने नेक पे भी अप्लाई करती हूँ।
इसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर लेती हूँ मैं, यही वाला ले लेती हूँ मैं वादी हर्बल्स का जो मॉइस्चराइजर है, एंड इसे अपने हैंड्स पे जो है मॉइस्चराइज कर लेती हूँ बिकॉज इट इज मेड फॉर नेक फेस एंड हैंड्स। तो यहाँ हमारा जो स्किन केयर रूटीन है यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। आई नो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा एंड स्किन केयर रूटीन भी इनफैक्ट लॉन्ग है, बट डोंट वरी, आपको ये रोज तो नहीं करना है, आप वीक में एक बार भी कर सकते हो, एंड अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप दो बार भी कर सकते हो, बट ट्राई कि आप वीक में एक बार ज़रूर ये करना। अगर आप नहीं करोगे तो मेरे जैसे हो जाएगा, नेक का कलर कुछ और, फेस का कलर कुछ और, एंड इसलिए आप स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको इतने सारे स्टेप्स इंक्लूड नहीं करने हैं तो आप दो चार स्टेप्स कीजिए, बट वो ज़रूर फॉलो करना। एंड मैं इसलिए ये बोल रही हूँ बिकॉज मैं ये पहले नहीं करती थी, मैंने पहले स्किन केयर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, लाइक मैं एक दो साल पहले की बात कर रही हूँ, एक डेढ़ साल, इसलिए ये हो गया है, वरना ये नहीं होता शायद। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो आपको थोड़े मेकअप वाले वीडियोस चाहिए या थोड़े और स्किन केयर वाले वीडियोस, क्योंकि विंटर जो है ख़त्म नहीं हुआ है। एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।